दोस्तों हीरो कंपनी के जितने भी स्कूटर हैं उनकी सेल दूसरी कंपनी की जितने स्कूटर हैं उनसे काफ़ी कम होती है, और इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो है लोगों का विश्वास। पहली बात तो ये कि वो हीरो के स्कूटर्स के बारे में ज़्यादा जानते नहीं है, और दूसरी बात कि हीरो को लेकर लोगों के दिमाग में एक माइंडसेट है जिसमें वो कहते हैं कि जो मिडिल सेगमेंट की बाइक्स हैं 125 सीसी की, 110 सीसी की, 100 सीसी की, उसके लिए हीरो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। लेकिन स्कूटर्स के मामले में वो होंडा या फिर टीवीएस इनके तरफ भागते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हीरो के जो स्कूटर्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा टाइम निकाल कर जानिए, और अगर आप कोई भी स्कूटर लेने वाले हैं, एक्टिवा लेने वाले हैं या फिर जुपिटर लेने वाले हैं, तो ऑफकोर्स लीजिए, लेकिन अपने चेकलिस्ट में इस स्कूटर को डालिए। इसका नाम है हीरो प्लीजर प्लस, और ये सबसे अच्छी बात कि एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी के साथ आता है जिससे आप अपने फ़ोन वगैरह को इससे कनेक्ट कर सकते हैं और बहुत सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। सेंसर्स वगैरह कंपनी बहुत अपडेट करके देती है। प्राइस वगैरह सारी चीज़ के बारे में बात करेंगे, बस आप थोड़ा सा वीडियो में अपना टाइम दीजिएगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपको ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा, फिर आप बताइएगा कि आपको स्कूटर कैसा लग रहा है। यहाँ पे देखिए जो इसका मीटर कंसोल है, आपको डिजिटल प्लस एनालॉग का कॉम्बिनेशन मिलता है। जो एनालॉग कंसोल है उसमें आपको स्पीडोमीटर मिलेगा, ठीक है, और जो डिजिटल कंसोल है उसमें आपको ओडोमीटर हो गया, ट्रिप मीटर हो गया, ये सारी चीज़ें आपको जो है इसके डिजिटल कंसोल में कंपनी प्रोवाइड करती है। आप अपने फ़ोन वगैरह को इससे कनेक्ट कर पाएंगे जिससे आप बहुत सारी सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे। फ्यूल इंडिकेटर भी आपको डिजिटली ही देखने को मिलेगा, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इसका जो प्राइस वगैरह है ये आप इस चीज़ पे बहुत कंसिडर करिएगा, क्योंकि जो दूसरी कंपनियों के स्कूटर हैं उनके जो प्राइस हैं उससे इसके प्राइस को मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको लो बीम हाई बीम स्विच आपको मिल जाता है, साइड इंडिकेटर स्विच मिल जाता है, उसके नीचे आपको हॉर्न कंपनी प्रोवाइड करती है। ये तीन स्विचेस आपको लेफ्ट हैंडर साइड में मिलते हैं, राइट हैंडर साइड पे आपको i3s स्विच मिलता है, मतलब ये वन ऑफ द टॉप मॉडल है, और उसके नीचे आपको पावर स्टार्ट स्विच मिल जाता है। अब टॉप मॉडल का नाम जो मैंने दिया है, तो हीरो की प्लीजर प्लस में आपको कई सारे वेरियंट्स मिलेंगे, उसके बारे में आगे मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर देखिए क्रोम फिनिश में आपको मस्त वाला जो है मिरर बार देखने को मिल जाता है, और काफ़ी खूबसूरत लगता है नो डाउट। और ये टॉप मॉडल ही से आप कहेंगे, क्योंकि इसके अलावा एक वेरियंट इनका और आता है जिसमें येलो कलर की प्लीजर प्लस आती है, वो सबसे टॉप मॉडल होता है, उसके बारे में आगे बताऊँगा। मेन हेडलैम्प देखिए आपको जो है जो DRLs हैं वो फुली LED मिलते हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं, और बिना हेडलैम्प ऑन किए ये जलते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं। अंदर आपको फुली LED हेडलाइट मिलती है, उजाला कलर के, कोई डाउट नहीं करना है उसके ऊपर। क्रोम की बढ़िया वाली आपको जो है बाउंड्री देखने को मिल जाती है, और उसके नीचे आप यहाँ पे देखिए फ्रंट फेंडर, यहाँ पे भी क्रोम का इस्तेमाल कंपनी ने किया, और इंटीग्रेटेड आपको जो है इसमें इन्वॉल्व जो है साइड इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। साइड इंडिकेटर्स आपको LED कंपनी नहीं प्रोवाइड करती, इसमें भी 10 वॉट के अंबर लगे हुए हैं। खैर यहाँ पे LED होता तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता। तो चलिए और भी चीज़ें इसके बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर फ्रंट पे आप देखेंगे तो आपको अलॉय व्हील मिलता है, नो डाउट। ये 10 इंच के टायर इसमें लगाकर कंपनी आपको देती है, और जो टायर की साइज़ है वो 90x100 यानी कि 90/100 की है, और ये 10 इंच का ट्यूबलेस टायर आपको मिलता है। यही सेम साइज़ का टायर आपको पीछे भी कंपनी लगा कर देती है, और इसमें डिस्क नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको जो है IBS इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। पिछला ब्रेक लगाएंगे तो अगला ब्रेक साथ में काम करेगा। ये कलर बहुत प्यारा मुझे लगा, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत कलर है और आई कैचिंग कलर है, मतलब अगर आप रोड पे लेके निकलेंगे तो लोग जो है देखेंगे तो ये ज़रूर बोलेंगे कि हाँ ये कलर बहुत प्यारा है। यहाँ पर देखिए आपको जो है स्टोरेज बहुत बढ़िया, यूटिलिटी स्टोरेज आपको मिल जाता है, मोबाइल चार्जिंग की सुविधा भी आपको यहीं से कंपनी प्रोवाइड कर देती है, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर आप अपने फ़ोन वगैरह को रख सकते हैं, यहाँ पर कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं। तो आजकल ज़्यादातर स्कूटर्स में आगे की तरफ यूटिलिटी जो है आपको देखने को मिल जाती है, तो ये चीज़ यहाँ पर भी कंपनी प्रोवाइड करती है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और हैंडलिंग की अगर मैं बात करूँ ना, तो मतलब मेरी हाइट 6 फीट के करीब है, एंड मतलब मुझे ऐसा लग रहा है इसको चलाने में कि बिल्कुल भी असहज महसूस नहीं कर रहा हूँ। जो एक्टिवा होती है वो थोड़ी बल्की लगती है, बट ये आपको पूरी स्ट्रेट लगेगी, ये मेरी गारंटी है। और सीट वगैरह देखिए, आपको जो है डुअल टोन में सीट मिलती है, स्टिचिंग भी अच्छी करी गई है, पीछे आपको जो है बैकरेस्ट कंपनी प्रोवाइड करती है, तो जो पीछे बैठेंगे उनके लिए काफ़ी सुविधाजनक होता है। अगर कोई लेडी सिंगल साइड पैर करके बैठती है तो उनके लिए भी अच्छा होता है, और जो क्रॉस करके बैठते हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए और भी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ इसके बारे में, और भी चीज़ें जानिए, समझिए, और इसके बाद डिसाइड करिए। आप एक बार टेस्ट राइड लीजिए, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर आप एक्टिवा लेने वाले हैं, जुपिटर लेने वाले हैं, तो इसका भी टेस्ट राइड ले लीजिएगा, हो सकता है ये आपको उनसे ज़्यादा बेहतर मिले। अब कई सारे सवाल आपके आते हैं कि ये जो इसमें फ्यूल भरवाने का जो सिस्टम है ये अभी भी सीट के नीचे है। हाँ, मुझे कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगा कि ये शायद कंपनी को बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर स्कूटर्स में अब ये चीज़ देखने को मिली है कि बाहर ही जो है फ्यूल ओपनिंग मिल जाती है, जो कि अभी इसमें कंटिन्यू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप अपना जो है हेलमेट वगैरह, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वगैरह रख सकते हैं। बूट लाइट भी आपको मिलती है, तो रात में अगर आप खोलते हैं तो फिर सामान वगैरह आप आसानी से देख पाएंगे, ठीक है। ये काफ़ी सही चीज़ मुझे लगी, और
और इसके बाद और भी कुछ चीज़ें इसके बारे में जाननी है, जैसे जो इसमें आपको इंजन मिलता है ये आपको जो 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर का इंजन आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। 8 BHP की पावर मिलेगी 7000 RPM पे, और टॉर्क आपको मिलेगा 8.70 Nm का। तो देखिए पावर और टॉर्क ये भी आपको बेहतरीन मिलता है, पावर और टॉर्क के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आप चढ़ाई वढ़ाई में इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। साइड पैनल से प्लीजर प्लस काफ़ी खूबसूरत लगता है, 3D Band लोगो इसमें कंपनी प्रोवाइड करती है। टायर्स में आपको बता चुका हूँ, ब्रेक्स भी मैंने आपको बता दिए हैं, क्योंकि आगे और पीछे दोनों तरफ आपको 130mm का आपको ड्रम ब्रेक कंपनी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये काफ़ी सही चीज़ मुझे लगी। और इसके बाद जो सस्पेंशन है उसके बारे में अगर मैं आपको बता दूं, तो आगे आपको मिलता है बॉटम लिंक विद स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक सस्पेंशन, और पीछे आपको मिलता है स्विंग आर्म विद स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक डंपर्स। और यहाँ पर देखिए चार्जिंग की सुविधा आपको यहाँ पर मिलती है, तो मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि आराम से यहाँ पे अपना फ़ोन वगैरह लगा के आप फ़ोन को आगे रख सकते हैं। और जो चार्जिंग की जगह इसमें दी गई है ना, मतलब जो USB पोर्ट जो कंपनी दे रखा है, ये मेरे को बहुत पसंद आया, क्योंकि नीचे से आप ऐसे प्लग कर देंगे अपने USB को और आराम से फ़ोन को रख के चार्ज करते हुए अपने स्कूटर को लेकर जा सकते हैं। लेकिन उतरने से पहले याद रखिएगा कि आपने फ़ोन चार्ज में लगाया, कई बार भूल जाते हैं, ठीक है, तो फिर स्कूटर तो खड़ा रहता है लेकिन मोबाइल गायब हो जाती है, तो आप इस चीज़ का बखूबी ध्यान रखिएगा। माइलेज आपको काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप अच्छी राइड करेंगे तो 50 प्लस का माइलेज निकाल लेंगे, अगर आप बेहुदे तरीके से चलाएंगे तो आपको माइलेज काफ़ी गंदा मिलेगा, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। माइलेज के मामले में ये स्कूटर काफ़ी अच्छा मुझे लगा। और चलाने उलाने की मैं बात करूँ तो मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ कि आप लेने से पहले एक बार टेस्ट राइड ले लीजिएगा, हो सकता है कि आपका फेवरेट स्कूटर बन जाए। कंपनी वो सारी चीज़ें इसमें लगभग दे रही हैं जो अदर स्कूटर्स में मिलते हैं, और हीरो का जो ट्रस्ट है मिडिल सेगमेंट की बाइक्स में, वो ट्रस्ट इनके स्कूटर्स में भी दिखाया जा सकता है। तो आप एक बार जो है टेस्ट राइड लेकर लीजिएगा, इसके बाद बताइएगा, ठीक है। और प्राइस पे जरा फोकस कर लेते हैं, तो देखिए इसके 4 वेरिएंट्स आते हैं, जिसमें प्लीजर प्लस LX, प्लीजर प्लस VX, प्लीजर प्लस XTEC और प्लीजर प्लस XTEC जुबिलेंट येलो कलर, ठीक है। जो सबसे टॉप मॉडल है जुबिलेंट येलो है, उसकी बात हम नहीं करेंगे, साइड में वो भी खड़ी है, उसका रिव्यू मैं आपको करके दिखा दूंगा। ये आप जो देख रहे हैं ये सेकंड टॉप यानी कि XTEC मॉडल है, इसमें सारे फीचर आपको मिलते हैं 74,918 रुपये, यानी कि 74,918 रुपीज़ इसकी एक्स शोरूम प्राइस है। और कंप्लीट स्कूटर की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको 92,000 से लेके 96,000 के बीच में कंप्लीट स्कूटर आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यही प्राइस में अदर कंपनी के भी स्कूटर आते हैं, हो सकता है कुछ इससे महंगे हो कुछ सस्ते होंगे, लेकिन लगभग यही प्राइस रेंज है। तो आप एक बार देख लीजिएगा और इसके बाद आप कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।